हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हो आर्ट बॉक्स स्टूडियो। अगर आप मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैंने एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाया था टिंकर कैड के ऊपर, जिसमें मैंने बेसिक से सिखाया था कैसे आप अपने खुद के डिजाइंस बना सकते हो यूजिंग टिंकर कैड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी के अभी पहले इस आई बटन पे जाइए, वहाँ पे ट्यूटोरियल वीडियो देख लीजिए टिंकर कैड को, थोड़ा सा बेसिक उसके फीचर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं वो सीख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। तो बेसिकली वो वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने पार्ट वन बनाया था, जिसमें मैंने बेसिक्स बताए थे टिंकर कैड के, बेसिक फीचर्स क्या होते हैं और कैसे आप छोटी मोटी डिजाइन उसमें बना सकते हो। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग सा बनाने वाले हैं, एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट काइंड ऑफ आप बोल सकते हो इसको। मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीखना हो तो उसके एक एक फीचर सीखने से अच्छा उसमें मिनी प्रोजेक्ट्स कीजिए। मेरा ये मानना है कि अगर किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखना है तो उसमें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करके देखिए, तभी आपको अलग अलग फीचर्स के रिक्वायरमेंट होगी, तब आप खुद से ढूंढोगे और फिर आपको पता चलेगा वो फीचर्स। तो इससे आप बहुत जल्दी सीख जाओगे और जो भी सीखोगे वो भूलोगे नहीं। तो आज इस वीडियो को आप टिंकर कैड का सेकेंड पार्ट समझ लीजिए या फिर कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट समझ लीजिए, लेकिन आज हम लोग टिंकर कैड को यूज करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम ताजमहल बनाने वाले हैं यूजिंग टिंकर कैड। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले हम एक बार नजर डाल देते हैं ताजमहल पे। मुझे पता है आप लोगों ने ताजमहल तो देखा ही होगा, लेकिन वैसे नहीं, बनाने के हिसाब से हम एक बार क्या करेंगे, किसी भी मॉडल को अगर बनाते हैं तो उसको पहले अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे, देखेंगे, थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेशंस कर लेंगे कि कौन से शेप्स हमें यूज़ करने हैं, कैसे उसको अलाइन करने हैं। इसलिए चलो जल्दी से हम लोग ताजमहल के कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं और देखते कि कौन से फीचर्स हमें इस टिंकर कैड की इसमें यूज़ करने चाहिए। मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो में टिंकर कैड के सारे फीचर्स अच्छे से समझा दिए हैं, तो इस वीडियो में आपको फिर से समझा के बोर बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ। आज की वीडियो बेसिकली एक टाइम लैप्स वीडियो हो सकती है, आप ऐसे समझ लीजिए। पूरे ताजमहल की जो क्रिएटिंग की प्रोसेस है उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाऊंगा, बहुत ही सेटिस्फाइंग वीडियो होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एंड में प्लीज एक थम्स अप जरूर दीजिए। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज की ये वीडियो इस छोटे से इंट्रो के बाद। तो वेलकम बैक गाइस, और अब आप है हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। इससे पहले कि मैं आपको टिंकर कैड पे लेके चलूँ, जैसे मैंने बताया था कि हम पहले ताजमहल की बिल्डिंग को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे, कुछ इमेजेस इसकी ओपन करेंगे। ओके, तो ये वाला व्यू तो बहुत लोगों ने देखा ही होगा। मेरे ख्याल से हमें अगर इसका टॉप व्यू देखना चाहिए, क्योंकि हमें एक्चुअली बिल्ड करना है, करेक्ट, इसका मॉडल बिल्ड करना है हमें, तो इसलिए हमें इसका टॉप व्यू देखना चाहिए। जैसे कि अगर ये वाला इमेज ओपन करता हूं मैं, ठीक है, ये रहा। इस इमेज को अगर आप ध्यान से देखो तो देखिए, एक स्क्वायर है पहले तो, ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे बेस बनाना होगा हमें स्क्वायर का, उसके बाद उसके चारों एंड पे हमें ये पिलर्स बनाने होंगे, ठीक है, उसके बाद बीच में ये एक और स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे आप ये कट देख सकते हो, ये मेरे ख्याल से हर साइड पे ये वाले कट है, ठीक है, उसके बाद ये जो डोर है ये स्लाइटली बड़ा है, ठीक है, इस वॉल से ये डोर थोड़ा सा बड़ा है, तो ये देखिए ये भी आपको हर तरफ लाइक चारों साइड में ये फॉलो करना होगा। एक बात इसकी अच्छी है कि इसका जो लाइक डिज़ाइन है वो बहुत ही सिमेट्रिकल है, मतलब जो फ्रंट साइड में है वही बैक साइड में है, वही राइट और लेफ्ट दोनों में है, तो ये बहुत इजी होगा हमें, डुप्लीकेट फीचर यूज़ करके हम इसे बहुत इजीली क्रिएट कर पाएंगे। उसके बाद एक बड़ा सा डोर है सामने वाले गेट पे, उसके बाद दो छोटे हैं यहाँ पे, और फिर ये वाला जो स्लांटिंग है उसमें भी दो डोर्स बनाने हैं हमें ऊपर नीचे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद टॉप पे भी चार छोटे पिलर्स है, और फिर बाद में यहाँ बीच में आप देख रहे हो एक सिलेंडर है, तो यहाँ पे लाइक सिलेंडर वाला शेप ले सकते हैं हम। सिलेंडर के ऊपर हमें एक स्पीयर लगाना होगा, और उस स्पीयर के भी ऊपर हमें ऐसा ट्राइंगुलर देखना पड़ेगा, शायद कोन या कुछ ऐसा शेप लेना पड़े, क्योंकि ऐसा कोई शेप तो हमारे पास ऑलरेडी टिंकर कैड में अवेलेबल नहीं है। तो गाइस ऐसी बात नहीं है कि अगर ये शेप नहीं है तो हम इसको सिर्फ स्पीयर लगा के छोड़ देंगे,
टिंकर कैट की खासियत ये है कि हम जो उसमें एग्जिस्टिंग शेप्स है उन शेप्स को ही कंबाइन करके काफ़ी सारे अलग शेप्स भी बना सकते हैं, तो ये हमें ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एक और चीज़ है गाइस, पूरी तरह से आपकी क्रिएटिविटी पे है, ऐसा नहीं है कि मैं अगर शुरुआत करता हूँ प्रोजेक्ट बनाना तो वो एग्जैक्ट मतलब एकदम डिटेल्ड बाय डिटेल ये एग्जैक्ट ताजमहल का रेप्लिका बन जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक बंदे की क्रिएटिविटी अलग होती है, शायद मेरे से इतनी डिटेलिंग ना हो पर आप लोगों से मेरे से अच्छी डिटेलिंग हो सकती है, ठीक है। तो अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और आपसे जितना हो सके उतना अच्छी डिटेलिंग करके आप बना सकते हो, मेरे से भी अच्छे स्केच मॉडल्स आप बना सकते हो। कोई और फोटो है क्या, देख लेते हैं हम लोग, जिससे हमें समझने में हेल्प हो जाए। ये देखिए, ये एक काफ़ी बढ़िया फोटो है, तो यहाँ से आपको एग्जैक्टली समझ जाएगा। ये देखिए, ऐसा बेस लेना है नीचे आपको, उसके बाद ये देखिए, ये वाला कट है जिसकी मैं बात कर रहा था। तो काफ़ी कुछ मुझे पता चल गया है, मैंने मेरे दिमाग में एनालाइज कर लिया है कि मुझे अभी किस तरह से शेप बनाना है, ठीक है। अगर फिर से ज़रूरत पड़ती है तो फिर से मैं कुछ और फोटोज देखूंगा और उसमें रिविजन्स कर लूँगा। तो चलिए फिर आप चलते हैं हमारे टिंकर कैट के वेबसाइट पर और शुरू करते हैं हम लोग।
हे गाइस, तो ये रहा हमारा ताजमहल का मॉडल। आई नो इतना परफेक्ट नहीं है, लेकिन देख के कोई भी बता सकता है कि ये ताजमहल का ही मॉडल है। तो आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी ट्राई कीजिए। ऐसे कई सारे मॉडल्स आप अपने आप बना सकते हो टिंकरकैड में। आपका जो कोई भी फेवरेट मॉन्यूमेंट है या बिल्डिंग है, आप इसका रेप्लिका बना सकते हो इसमें। अगर आपको कोई भी फीचर्स नहीं समझ में आ रहे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। कमेंट सेक्शन में मुझे बिल्कुल बताइए कि आपको ये वाला ताजमहल का मॉडल कैसे लगा। और अगर आपको ऐसे ही कोई वीडियो चाहिए किसी और मॉन्यूमेंट पे, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उस मॉन्यूमेंट का भी वीडियो लेके आपके लिए आ जाऊंगा। आई होप गाइस आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन। अगर आप चैनल पे नए हो तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन हमेशा आते रहे। इस चैनल पे आपको बहुत सारे ऐसे एडुकेशनल वीडियोस देखने मिल जाएंगे, तो प्लीज़ 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 बिना भूले इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो सी यू गाइज अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।